फ्रेंड्स, वेलकम इन गरिमा शाह किचन। आज हम बनाना शेक बनाने वाले हैं और बनाना शेक बनाना बहुत ही आसान है। बनाना शेक विद आइसक्रीम, बनाना शेक विद इलायची, बनाना शेक विद कॉफी। बच्चों को बनाना शेक विद आइसक्रीम वाला फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए हम बनाना शेक बनाना शुरू करते हैं। बनाना शेक बनाने के लिए हम लेंगे पिसी हुई शुगर, काजू, बादाम, इलायची, पिस्ता, वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम, कॉफी, दो पके हुए केले ही लेने हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दो ग्लास मिल्क, चॉकलेट सिरप, और चीनी को हम घटाया बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। केले को हमने छील लिया है, इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इलायची फ्लेवर का मिल्क शेक बनाने वाले हैं, तो पहले सबसे पहले एक बनाना डालेंगे, मिल्क, वन ग्लास मिल्क लेंगे, इसमें डालेंगे एक चम्मच चीनी पिसी हुई। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमने बनाना शेक को ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे, आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं, पिस्ता डालेंगे, और इलायची को मैंने पहले से ही पीस लिया है, इलायची का फ्लेवर डाल देंगे और इसको हम वापस से ग्राइंड कर लेंगे। हमारा बनाना शेक विथ इलायची फ्लेवर रेडी है। अब इसको हम ग्लास में सर्व करते हैं। मैंने एकदम चिल्ड मिल्क लिया था। अगर आपने मिल्क चिल्ड नहीं लिया है तो आप इसको बर्फ भी डाल के सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारा बनाना शेक विद इलायची फ्लेवर रेडी है। देखिए इसका लुक देखिए। जब कभी भी बच्चों को अगर जल्दी हो तो हम बनाना शेक को इस तरह से बनाकर सर्व कर सकते हैं। अब हम बनाना शेक विद आइसक्रीम का फ्लेवर बनाने वाले हैं। यहाँ हमने तीन अलग अलग फ्लेवर बनाने के लिए 2 किलो का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेरे ग्लास का साइज छोटा है। यदि आपके ग्लास का साइज बड़ा हो तो आप एक ग्लास में एक बनाना का यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ग्लास में मिल्क डाल लेते हैं। अब इसमें हम बनाना डालेंगे, एक चम्मच शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हम बनाना वेनिला आइसक्रीम डालने वाले हैं, उससे टेस्ट दुगना हो जाएगा, और आधी हम गार्निशिंग के लिए यूज भी लेंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमारा बनाना शेक विद आइसक्रीम का फ्लेवर रेडी है। अब इसको हम ग्लास में डालेंगे। इसको हमने चॉकलेट सिरप से पहले से डेकोरेट कर लिया था। अब इसमें हम आइसक्रीम डालेंगे। वाओ, इसको चॉकलेट सिरप से ऐसे डेकोरेट कर देंगे। अब हमारे बनाना शेक विद चॉकलेट फ्लेवर रेडी हो चुका है। देखिए अब हम बनाना शेक विद कॉफी का फ्लेवर बनाने वाले हैं। जिसको बनाना पसंद नहीं है, इसमें हम कॉफी डालकर इसके फ्लेवर को दुगना कर सकते हैं। तो चलिए हम एक ग्लास से थोड़ा सा कम मिल्क लेंगे, उसी तरह से केले ले लेंगे हमारे जो बचे हुए हैं, एक चम्मच शुगर, कॉफी को हम बढ़ा और घटा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहां पे पूरा सैशे डाल रही हूं, और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए अब बनाना शेक विद कॉफी फ्लेवर हमारा रेडी है। अब इसको हम ग्लास में डालते हैं। मुझे बहुत शानदार कॉफी की खुशबू आ रही है, ये कॉफी जैसी लग रही है।
देखिए पूरा इसका लुक कोल्ड कॉफी जैसा आ रहा है। और जो हमारी थोड़ी सी कॉफी थी इसको हम डेकोरेट के लिए डाल देंगे। ये बनाना शेक विथ कॉफी हमारा रेडी है। हमारे बनाना शेक के तीनों फ्लेवर रेडी हो चुके हैं, बनाना शेक विथ आइसक्रीम, बनाना शेक विथ कॉफी, बनाना शेक विथ इलायची। आप तीनों में से भी जो आपको जो पसंद आए वो पीकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बनाना शेक की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।